आ ये मोर घर अरे छोटे सर लोकेशन। दूसरा फेवरेट जगह बैठे के यहाँ यहाँ बैठ के टीवी भी देखना है। तो ये है लोकेशन आंगन सर के घर। बाद में थोड़ी मारती है। अरे यार गलती हो गई। मोर चैनल के नाम है लोकेश देवांगन लाइफ मंत्रा। जय जोहार डियर फ्रेंड। आज हम जात हमन प्रसिद्ध एक्टर लोकेश देवांगन सर से मिले बर। जैसे आप सब मन जानते हो कि छत्तीसगढ़ के नामी एक्टर रह चुके हैं। साथ जात है मोटिवेशनल नमस्कार जय जोहार। मोर चैनल सब्सक्राइब करो चाहे मत करो लेकिन 2 लाख जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो सीजी लिप ला। ओ यार जल्दी जल्दी कर दो। ओ 2 लाख नहीं है कर 2 लाख करो भैया। समझ नहीं नहीं 2 लाख की पार्टी लेना है ना। एकर से 2 लाख की पार्टी लेना है। 1 लाख की पार्टी लेना है। 1.5 लाख की पार्टी लेना है। 50 की पार्टी लेना है। मतलब 4 पार्टी बचे। तो बने रहा ब्लॉग वगैरह में। डांस करके दिखा दो। हैं डांस करके दिखा दो सर के गाना में। कौन कौन सा गाना आप मतलब फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है ना संगवारी हो। चलो संगवारी हो सफर के शुरू करते हैं। लोकेश देवांगन के सर के होम पीछे में दिखाते सोसाइटी एक बड़े वाला चलथन वो आप मतलब दिखाथन। रुकना भाई अब क्या चक्कर भाई। देख तो भाई छोड़ के भागा थे छोड़ के भागा थे आशी जी नरेश। बारी हो फाइनली हम पहुंच चुके ना। अब मन देख सकते हैं यहाँ का व्यूला। तो यहाँ से चल गए सीधा। देखा कितना अच्छा अपार्टमेंट रहे थे भाई। ऐसा अपार्टमेंट हम सपने में नहीं सोच सके। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है भाई। संगवारी हो फाइनली हम पहुँच गए हैं लोकेश देवांगन सर के घर। जी हाँ संगवारी भाई हो आप मन देख सकते हो ये अपार्टमेंट में रही थे लोकेश देवांगन सर। कितना सुपर है भाई यहाँ के क्लाइमेट देख सकते हो। आज कितना हरा भरा ज़बरदस्त व्यू रही थे। तो चला आप मन देखा था ना घर के व्यू सर के। ये आप मन पीछे देखा था ना बड़ा वाला अपार्टमेंट शायद 2 BHK या 3 BHK हुआ है भाई घर। तो ये घर में थे लोकेश देवांगन सर है। तो अभी हम जाबन घर के अंदर और अंदर के व्यू भी आप मंदिर ला दिखाबन। ठीक है ना। तो ये है लोकेश देवांगन सर के घर। हम देख सकते हो यहाँ का व्यू वगैरह ला काफ़ी एक नंबर सुहाना है भाई। एकदम हरा भरा ज़बरदस्त अपार्टमेंट। तो यहाँ के क्लाइमेट ला अपन देख सकते है। ये है लोकेश देवांगन सर के घर। तो डियर संगवारी हो आप मन देख सकते हो ये है रायपुर के व्यू। यहाँ देख सकते हो शायद 2 BHK या 3 BHK हो सकता है। 2 मंजिल के हो ऊपर नीचे करके। और यहाँ के व्यू आप मन देख सकते हो। ये है यहाँ के क्लाइमेट। एक घर के फ्रंट में झूला है भाई। यहीं पर बाइट ले बन यार ज़बरदस्त है। ये है लोकेश देवांगन सर के घर। काफ़ी अट्रैक्टिव भाई इतना सुपर यार गार्डन टाइप में हरा भरा ज़बरदस्त क्या है लग रहा है ना। 2 BHK आसपास हो है घर। 2 मंजिल है 2 BHK और 3 BHK ऐसे कुछ है देख सकते हो। ये हरे लोकेश देवांगन सर के घर के व्यू। जैसे आप सब मन जानते हो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रह चुके हैं। तो चलो घर अंदर घुसते घर घर के अंदर के व्यू वगैरह देख सकते हो। क्या सुपर लग रहा है ये यहाँ की व्यू वगैरह है। वहाँ से हम आए दरवाजा ओपन सर लोकेशन। यहाँ पर बैठे हैं हम जबरदस्त आलिशान घर के अंदर की व्यू देख सका था। लोकेश देवांगन सर के घर में देख सका था पूरी तरीका से नाश्ता वगैरह चलाते पूरा सेवा सत्कार कराते अच्छी तरीका से। आई कैसे बात तो बहुत बढ़िया ये सब नाश्ता वगैरह देख सो आप। ये पोटैटो बिस्किट है एक्चुअल में ये चीज ये पिया था ना यार। क्या जाते यार कौन सी स्टीम वगैरह ठंडा वगैरह जुगाड़ करी सर पूरा। यहाँ व्यू लोग देख सका था। पी एक बाद में थोड़ी मारती है। अरे यार गलती हो गया भाई सॉरी ज्यादा ना सवाल।
हुई यार लोकेश दिवांगन के हरारी हरारी आप मन देख सकते हो यार। हमारे साथ है लोकेश दिवांगन सर, आप मन देख सकते हो अभी आने कर घर सर के घर देख सकते हो यहाँ व्यू। तो आज सर अपन घर के जर्नी दिखाया है, दिखाओ ना सर अपन घर के जर्नी। भाई अंदर तो नहीं, बाहर बाहर से देख सकते, अंदर बिखरे हुए लेकिन हाँ, बाहर से आओ देख छन। आओ ये मोर घर है, छोटे से आशियाना बनाए हो, छोटे से बहुत अपन मेहनत करके छोटे से घर है, कुटिया टाइप के है। आप देखो मोला चूंकि ग्रीनरी जे भी घर में रहे हो बचपन से ना मोला ग्रीनरी से बहुत प्यार है। तो आप मन एक बार देखो ना तो मोर पूरा घर है ग्रीन है, कॉलोनी भी देखो ना तो पूरा ग्रीन है। ठीक है अंदर आओ आप मन, ये मोर फेवरेट जगह है, ये मोर फेवरेट जगह है जहां मैं दिन के जब भी खाली बैठता हूँ यहाँ समय बिताता हूँ। ये मोर सबसे फेवरेट जगह है गार्डन, यहाँ पे एक छोटे से झरना टाइप के भी मैं अपन बार बनाया हूँ। अच्छा लगता है यहाँ बैठना, ऐसे लगता है जैसे कोई रिसॉर्ट विसॉर्ट में आया हूँ। अपन ये सब देखा तो पेड़ पौधा ये सब मैं जितना बच्चा के तरह केयर करते हैं मतलब मैं। और जेती भी आप इतनी भी देख सकत हो, इतनी देखो तो ये मोर दूसरा फेवरेट जगह बैठे के, यहाँ मैं बैठ के दिन भर ना अपन छोटे लड़का के साथ मोर बेटी हरे के साथ बैठ के मस्ती करता हूँ, दिन भर फोन में बात करना तो यही करता हूँ। और उकर बाद यहाँ से मोर घर है अंदर, ये मोर घर हरे, ये छोटे से फायर एरिया मतलब यहाँ हम कोई नया आदमी है तो दो मिनट बैठना है, यहाँ जूता चप्पल उतारना है, यहाँ दो मिनट काकरोच बात करना ते हरे। और ये मोर बैठक एरिया हरे, ये मोर बैठक एरिया हरे है ना। और यहाँ मैं दिन भर बैठ के का कोई मेहमान आते तो, और यहाँ पे प्रोजेक्टर है अगर मैं कभी खाली बैठता हूँ, और जो कि समय कम रहते लेकिन कभी भी अगर खाली बैठे हो ना तो यहाँ पिक्चर देख लेता हूँ मैं। बाकी अंदर घर है, अब अंदर आइए थोड़ा अंदर दिखाता हूँ आप मन ला है ना। ये अब घर अब पूरा बिखरे पड़े भाई, अचानक आए हो सब मोर घर में, थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग, ये डाइनिंग टेबल हरे है ना। और ये है मोर हमर मन की लिविंग रूम हरे है जहाँ मन दिन भर बैठे था ना, यहाँ बैठ के टीवी भी देखना है तो ये टीवी भी है। इधर की किचन है और ये एक मोर फेवरेट जगह हरे। फिर से यहाँ से पूरा झूमर उगरा करके करवाया हूँ तो थोड़ा सा ठीक लगते ला देखब में, और यहाँ बैठ के हमन खाना खाता ऊपर में झूमर जलत रहते तो बने लगते। और ये है छोटे से गेस्ट रूम हरे, ये छोटे से गेस्ट रूम हरे। अभी पूरा घर बिखरे हुए है भाई, अब बेइज्जती टाइप के हरे, पूरा घर बिखरे हुए है। ये गेस्ट रूम में यहाँ बैठ के हमन आपस में बातचीत करत रहते हैं कभी दोपहर में आराम करना तो। और बाकी ऊपर में बेडरूम है, पूजा रूम है, हॉल है, तो अब ऊपर भी जाना है। अच्छा छत दिखाता हूँ, ये बालकनी हरे, यहाँ से आप मन देखो ना तो पूरा हरा हरा, यहाँ अंदर भी देखो पूरा हरा हरा दिखी। अंदर भी पूरा हरा हरा है करके, फिर वही मोर फेवरेट कलर को ही ग्रीन है। और ये पूजा रूम हरे है अभी अब भगवान जी के है ना। इतनी से एक और बालकनी है छोटे से, इतनी से एक और बालकनी है छोटे से बाहर में इतनी भी। ये मोर मम्मी के और बेटी का कमरा है, पर राइट सा मोर बेटी के नाम भी लिखा है कमरा में। तो छोटे सब घर अचानक आप मनाया हो, अचानक अंदर शूटिंग करो तो घर इतना गंदा पड़े मैं कहा। छत दिखाता हूँ, अच्छा ये पूरा छत है। यहाँ भी पूरा हमारे कुछ दिन पहले ना ग्रीनरी रही बहुत ज्यादा, अभी ला हटा के ना कुछ नया पौधा लगा था, कुछ नया नया पूरा भविष्य में छत ला पूरा पेड़ पौधा से ढके प्लानिंग है। आओ दिखाता हूँ आप मतलब इतनी से हल्का सा देख सकत हो तो, यहाँ लाइन से नीचे में ना रेलवे क्रीपर के बेले हैं है ना, और इला पूरा ऊपर ला के इसे छत में ढके का प्लान है। तो भविष्य में ना ये रेस्टोरेंट टाइप के हो जाएगी, यहाँ पूरा लाइटिंग करके ना
मेरा रेस्टोरेंट टाइप के बना दूँ, पर रेस्टोरेंट नहीं खोलो, मोरे भर रही। और ये गिलोई के पौधर ही से मेरा जस्ट अभी 4 दिन पहले माली आग काटे है, यार कि अब रेलवे क्रीपर बढ़े होत ना तो गिलोई के पौधा की आवश्यकता नहीं, वरना ये पूरा ग्रीन रहीस और चिड़िया मन के कई ठक घोंसला रहीस है, पर अब गिलोई ला काट देन करके अब गिलोई की जरूरत नहीं है। और अब रेलवे क्रीपर भाई, एक तो पहला राज है कि मोला पेड़ पौधा से बहुत प्यार है, पहला। दूसरा, हमन नेचर से इतना कुछ लेवत हन तो ये हमारे ऊपर कर्जा है, चला वापिस किसे करबो। हम 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से मिलत पेड़ पौधा से। थोड़ा बहुत भी अगर पेड़ पौधा नहीं उगाए तब हम बोलते हैं गर्मी कतेक है, गर्मी कतेक है। अरे अपन हिस्सा के 2-4 पेड़ उगा देबो ना, गर्मी कम हो जाएगी। एक पेड़ है ना, बोलते कि 8 से 10 एसी के लायक ठंडा देते। दूसरा, मैं कहूँ सुन रहे हो कि जे घर के आसपास ना 15-16 बड़े बड़े पेड़ है, ते घर में रहने वाला बन के उम्र 6 से 7 साल बढ़ जाते, तो उगाओ भाई सब पेड़ पौधा। तो मैं अपन घर में पूरा तरफ से ग्रीनरी आप देखू ना, अभी कुछ दिन पहले अगर ये गिलोई नहीं कटे रहतीस ना तो ये पूरा हिस्सा ग्रीन रहीस, पूरा एकदम ग्रीन। लेकिन अब एक हफ्ता पहले काटे हन माली आग काटे है, तो अब थोड़ा सा वो। अच्छा सर, एक पौधा मतलब देखे बार कोई केयर टेकर है? केयर टेकर में माली आते हर हफ्ता 15 दिन में, बाकी रोज की ड्यूटी मोर है और मोर मम्मी की है। पानी देना, छोटे मोटे और कुछ करना, ओकर ड्यूटी मोर और मोर मम्मी की है। बाकी हेल्पिंग हैंडमैन भी आते, माली भी आते हर हफ्ता, हर संडे के माली आते, लेकिन माली तो अपन हिस्सा काम करते, हमारे हिस्सा के हमला काम करे पड़ते। भविष्य में ना रियल में ना बहुत अच्छी प्लानिंग है मेरी। हम लोग शुरू में ना यहाँ पे जब नया नया शिफ्ट हुए थे ना, तब हमारे यहाँ सब्जी भाजी उगाए रहे। मैं कोरोना पीरियड में ना बहुत अकन सब्जी घर के खाए हूँ। ये पूरा जितना गमला देखा था ना, ते में टमाटर, भाटा, लौकी, तरोई, ठीक है, धनिया, मेथी, मीठा पत्ती। मीठा पत्ती के तो मोरिया अभी भी 2-2, 3-3 पेड़ है। पूरा सब्जी ना इला ना हमन किचन गार्डन के रूप में ना डेवलप करे रहे। लेकिन साल भर बाद ऐसे लगी कि यार जितना हमन मेहनत करत हन किचन गार्डन भर ना, उतना हमन मार्केट से खा लेवत हन, तेकल अच्छा लगे हमन ग्रीन कर देते। तो फिर मैं सब सब्जी मतलब कटवा के फूल पौधा उगाया हूँ। अभी मोर घर में ना डेली कम से कम ना 60-70 जसवंत के फूल खिलते, गुड़हल के फूल जिला देवी माँ में चढ़ाथन लाल कलर के। अब बोला मैं हर रोज ना खरीदे पर, या तो मैं जाऊँ या कोई ना कोई खरीद के लाए तब देवे। हमारे कॉलोनी में एक जन आते थे, देते सुबह सुबह आके, तो कहूँ भैया एकर ले अच्छा खरीदथन, एकर अच्छा घरे में उगा लेथन। तो डेली 60-70 ना मोर यहाँ जसवंत के फूल खिलते। संगवारी भाई, आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ सर के एक YouTube चैनल है, सर का है आपके चैनल के नाम बता? मोर चैनल के नाम है लोकेश देवांगन लाइफ मंत्रा, और ये चैनल मैं बनाया हूँ अपन जिंदगी के अनुभव शेयर करे पर। इतना लंबा जिंदगी में मैं छोटे मोटे जो भी अनुभव शेयर करे हूँ ओला अपन शेयर करत हूँ, और काबर ताकि मैं जो अनुभव ला लेकर इतना लंबा जिंदगी जिए हूँ, वो अनुभव अगर आप मतलब दे सको और आप से कुछ फायदा उठा सको ना, तो मोर लिए थोड़ा अच्छा होगी। तो आप मैंने चैनल जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल के नाम है लोकेश देवांगन लाइफ मंत्रा यूट्यूब चैनल। संगवारी हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके सर ला सब्सक्राइब कर। आप मन के फेवरेट एक्टर लौट के आगे फिर से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री और यूट्यूब में, तो जाके सब्सक्राइब करो। इंस्टा, फेसबुक सब तरफ पूरी तरीके से लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना।